जी टीवी के सीरियल तुझसे है राब्ता में दिखी मल्हार और कल्याणी की जोखिम भरी आशिकी, जहां मल्हार आहिर के गुंडों को मारते पीटते कल्याणी से मिलने पहुंचते हैं। इससे पहले कि मल्हार कल्याणी को बचा पाते, आहिर पीछे से आकर मल्हार के सिर पर वार कर देता है और वो मल्हार को वापस कैद कर लेता है। दरअसल आहिर कल्याणी और रचित की शादी करवाना चाहता है और इसी वजह से उसने मल्हार को कैद करके रखा हुआ है। लेकिन मल्हार चालाकी से चाबी को पैरों के नीचे दबा लेते हैं और फिर बदमाशों को चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं। पर बाद में आहिर उन्हें आखिरकार पकड़ ही लेता है। अब देखना ये होगा कि मल्हार कैसे कल्याणी को आहिर के चंगुल से बचाते हैं और कल्याणी और रचित की शादी होने से कैसे रोकते हैं। मैं घर में ही हूँ, ये किडनैप्ड है। मैं किडनैप्ड हूँ? हाँ, मैं घर में भी कैद हूँ। आहिर ने कैद कर दिया हमें रूम के अंदर। बहुत पिटेगा आहिर, बहुत मारूंगा मैं उसको। एक बार छूट जाए ना मल्हार तो देखिए क्या होता है फिर। एक बार ये रचित आहिर लाइन लाइन से। हाँ यार, रचित ने मुझे दोस्ती में धोखा दिया। तेरा ही फ्रेंड था ना? आपकी भी फ्रेंड आई थी केत की, बॉम्ब ब्लास्ट वाली। क्या किया उसने? बॉम्ब ब्लास्ट करके गई थी। रचित ने क्या किया? तो रचित और उसकी केत की शादी करा दो ना, खत्म करो। मत मैं वो मल्हार जी मिल ही नहीं रहे मेरे को। मत रो यार, कल्याणी क्यों रोती है? एक महीना हो गया मल्हार जी मिल नहीं रहे मुझे। मल्हार जी आएंगे वापस? कौन है मल्हार जी? तेरे नाम का सलमान खान बन गए। एक दिन आऊंगा मैं, सबको बचाऊंगा और तुझे उड़ा के ले जाऊंगा। इस बार उल्टा भी हो सकता है। हो सकता है इस बार मैं आपको बचाऊं। हमेशा तू ही बचाती है मुझे। नहीं, हमेशा आप मुझे बचाते हो। इस बार भी गुंडों नक्सलवादियों से आपने मुझे बचाया, उस चक्कर में आप पकड़े गए। हाँ, मैंने अपना बलिदान दिया। या तो हो सकता है इस बार मैं बचा लूँ आपको, पर मुझे भी बदले में बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ेगा जो मैं अभी नहीं बता सकती, पर देना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं बलिदान देने की। खुश रहो तुम, बस मैं इतना चाहता हूँ। चाहे मैं जिंदा रहूँ चाहे मैं मर जाऊँ, तुम खुश रहना। पर आप रहेंगे नहीं तो भी मैं खुश कैसे रहूंगी? अरे यार, ये तो सीरियल वाली बातें हो गई, छोड़ो। नहीं नहीं, देखिए बहुत आगे सीरियस सिचुएशन चल रही है और रचित का बहुत बड़ा प्लान है। रचित मास्टरमाइंड निकला, हमें पता ही नहीं था। हम तो सोच रहे थे बहुत अच्छा दोस्त है। और मेरी माँ भी यार, सावरी भी, सावरी भी मिली हुई है। देखो किसका फोन आ रहा है। कल्याणी राणे। कल्याणी राणे का फोन आ रहा है। ये सचिन होगा, है ना? नहीं, ये पुष्कर है। तो दो-दो कल्याणी, दो-दो कल्याणी। ये कौन सी कल्याणी? अच्छा, बाय द वे संपता, इस बार हाउ डू यू फील? हैप्पी, वेरी हैप्पी। कल्याणी इज सो हैप्पी सो आई एम हैप्पी। ओके। बार-बार पूछ रही है संपता, संपता तेरा कुछ चक्कर है क्या संपता से? बच्चे के साथ है ना, बच्चा जब उनकी गोद में था, आई मीन पेट के अंदर था, तब आपसे ज्यादा मैं संपदा के पास रहती थी, उसे ग्लोरी वगैरह सुनाती थी। या यू डोंट नो व्हाट, इसलिए तो संपदा ने आपको छोड़ा। शी वाज इंटरेस्टेड इन मी। मेरा और अधर का क्या होगा? थैंक यू। देखिए बहुत अच्छी फिल्म आने वाली है मलाला, उसके लिए मैं एक्साइटेड हूं बहुत ज्यादा। कल्याणी नहीं दिख रही मुझे एक्साइटेड। आर यू एक्साइटेड फॉर ये फिल्म? एक्साइटेड ऑफ कोर्स। वेरी एक्साइटेड। या प्रीमियर पे जाएंगे, बहुत शोर मचाएंगे। प्लीज आइएगा और पूछिएगा फिल्म कैसी लगी। मुझे उम्मीद है फिल्म बहुत अच्छी होगी क्योंकि रीम बहुत ब्रिलियंट एक्ट्रेस है। इट्स गोना बी फन। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। या हैप्पी न्यू ईयर।